क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे लॉन्ग ट्रेन रूट कौन सा है, और एटीएम किसने बनाया था, और चेक की शुरुआत किसने की थी? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, कुत्ते को बहुत गर्मी लगती है लेकिन उसके शरीर में नाक और पंजे से पसीना निकलता है। फैक्ट नंबर टू, सिर्फ 1 से 2 घंटे हेडफोन से गाना सुनने पर हमारे कान में बैक्टीरिया की संख्या लगभग 700% बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर थ्री, किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतों को अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझ कर दोस्ती करें। फैक्ट नंबर फोर, हाथी को लोगों की अच्छी पहचान होती है। हाथी अपने दोस्त और दुश्मन को कभी नहीं बोलता है, और हाथी के दांत सोने से भी महंगे होते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, सितंबर नौवा महीना है और केवल यही ऐसा महीना है जिसके नाम में भी 9 लेटर्स आते हैं, और ये मंथ भी नौवा है। इसके अलावा 4 इकलौती एक ऐसी संख्या है जिसके अक्षरों की गिनती इसके जितनी ही होती है। फैक्ट नंबर 6, एटीएम को जॉन सेफर्ड बैरन ने बनाया था। 1965 में एक दिन बैरन पैसे निकालने बैंक 1 मिनट की देरी से पहुंचे थे और बैंक बंद हो गया था। इसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे 24 घंटे पैसे निकाले जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, अभी तक 5 बार पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है जिसमें 5 बार भारतीय टीम ने ही बाजी मारी है, और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी आज तक आयोजित हुए सभी वर्ल्ड कप जीते हैं। फैक्ट नंबर 8, बंगाल बैंक भारत का वह सबसे पहला बैंक था जिसने चेक सिस्टम जारी करने की शुरुआत की थी। फैक्ट नंबर 9, दूरदर्शन जिसे आज तक आप एक टीवी चैनल समझते थे, वो एक टीवी चैनल नहीं लेकिन रियल में टीवी को ही हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, चीन में एक 17 साल के लड़के ने आईपैड और आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी। फैक्ट नंबर 11, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सबसे लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलती है और कुल 4286 किलोमीटर की दूरी 82 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा यह नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और काम का लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी के बटन को स्वाइप कर सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।